हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ जहाँ कहीं हैं आप, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कैसे हैं भाई आप लोग? आज पता है क्या हो रहा है घर में? आज हो रहा है कि शादी होने वाली है हमारी एक दोस्त की, और चूंकि उसकी शादी होने वाली है तो बाकी सबको तो मशवरा देना जो है वो लाजिम हो जाता है ना। उन्हें लगता है अगर हमने ना मशवरा दिया तो इस कार्य खैर में हमारा हिस्सा नहीं डलेगा, और हमने उन्हें टिप्स देनी है। भले अपने आप के पास हमारे पास वो टिप्स हो या ना हो, लेकिन अच्छा हो ना भी ना, किसी और की भी आजमूदा, किसी और की ज़िंदगी का तजर्बा भी हो, तब भी हम वो पास ऑन करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और अच्छा होता है कि हम उसको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो आने वाले दिनों में उसके काम आने वाली होती है। लेकिन आज हमारी इस मशवरा पार्टी में दो तरह से बहुत प्यारे से लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जिनमें से एक मेरी सहेली जाना। कैसी हो जाना? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है। दे हैव रियली आउटडन देमसेल्व्स दिस टाइम, एंड आई लव द उल्टी छतरीज, है ना? दैट इज सच अ लवली कलरफुल थिंग। सर रंग इतने आपके ड्रेस जैसे कलर आ रहे हैं, बस मैंने कहा कुछ कलरफुल से पहन के आ रहा, तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट, क्या खूबसूरत आउटफिट है, वाह। भाई कल किसी ने देखा? चांद को देखा कल किसी ने? कल रात को? कल रात को तो नहीं देखा, अभी देख रहे हैं। अरे अच्छा, रात को चांद को ग्रहण लगा हुआ? रात को चांद का जो चक्कर था वो ये था कि एक अंग्रेजी की कहावत है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि वंस इन अ लाइफ टाइम, 10 12 15 20 सालों के बाद या 100 सालों के बाद कभी एक ऐसी बात करेंगे, 100 इयर्स के बाद। एग्जैक्टली, एंड लास्ट नाइट वाज रेड मून। नो, इट वाज नॉट ओनली ब्लू, इट वाज सुपर ब्लू रेड मून। हां, उसे तीन रंग। अच्छा, फिर तुमने पूरा नहीं देखा? मैंने पूरा नहीं देखा, क्योंकि मैंने पहले वो ब्लू था, ब्यूटीफुल, देन इट टर्नड रेड, और चूंकि उसे ग्रहण लगा हुआ था, हाँ। और ये वो ग्रहण था जो वो हमने उसपे प्रोग्राम भी किया था। लेकिन लगता है कि आप, यू आर इन टोटल फैसिनेशन विद मून। आई लव वॉचिंग द स्टार्स। मुझे अपना आप बड़ा, कौन से स्टार्स ऊपर चमकते हैं, ऊपर नीचे चमकते हैं? ऊपर चमकते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी वसी है, इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला की कुदरत, अदना बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, एक और बहुत प्यारी सी हमारे साथी है शाजमा। कैसी हो? बिल्कुल जबरदस्त मजे में। अच्छा अब ये होगा कि मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे इतने सारे लोग और हैं, उन सब ने आना है। ओह यस, और यहाँ पे आज मशवरा पार्टी जो है वो सजने वाली है। आप भी दे सकते हैं मशवरा, क्योंकि मशवरा मुफ्त है, और उसके लिए आप हमारी लाइन से उस पर कॉल कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि शादी होने वाली है तो क्या मशवरा होगा आपकी तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगी, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। जा मेरे माँ, प्यार
इश्क बड़ा बेकार। कम ऑन गाइस, एक बार डोरी चढ़ जाएगा फिर वीर देखना बड़ा पछताएगा, रो के चिल्लाएगा मरने को मैं नहीं प्यार। प्यार 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 यार इश्क बड़ा बेकार, प्यार 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 यार इश्क बड़ा वेरी मच। अच्छा अब शुरू होती है हमारी मशवरा पार्टी। सबसे पहले मशवरा देना है हमारी, कौन मशवरा देगा? मैं तभी तक आई नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मदिया शाह साहिबा मौजूद हो और हम उनको नजरअंदाज कर सकें? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहब्बत, सुबह का मॉर्निंग में फरा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना हूँ और मशवरा पार्टी हो तो फिर मैं ना हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मशवरा तो फिर मशवरा ही है। मशवरा क्या है? इसकी शादी होने वाली है। बस ये है कि हाँ, बेशक ना करो यार। हमने यही कह रहे, मैं ये कहूंगी कि शादी अगर करनी है तो दिलो जान से करें और ये सोच लें कि आपने कौन कौन से हथियार यूज करने हैं, कौन कौन सी बात जेन में रखनी है, किस किस एंगल से मारना है, ये जेन में होना चाहिए। अच्छा। तेरों की शादी अच्छी और कामयाब। तो आज आपने ना बच्ची को सिखा, पढ़ा, समझा, बच्ची ले मैं पैदा करके लाई बच्ची को, अपनी सहेली को, बहन को, जो भी छोटी बच्ची को, हमने बताना है कि कैसे कैसे हर्ब यूज करने हैं और कैसे कैसे हस्बैंड को नीचे लगाना है। जाना का मशवरा तो बड़ा ही, मतलब जाना ना जाना के मशवरे में जान ही नहीं है। मेरे मशवरे में जान नहीं है, मतलब हाँ ठीक है अगर बहुत दिल चाह रहा है तो कर लो, लेकिन फिर आपकी प्रायोरिटीज मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि बाद में बहुत सारी खबर क्यों करते हैं लोग, पता नहीं। मैंने बहुत सारी खबर थी इनको बाद में, जो कि कुछ मेरी फैमिली में से भी हैं, कि 5-6 साल के बाद 4 बच्चों के बाद कंप्लेन करी होती, मैंने तो ये सोचा था ये होगा, हाय ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग वहां पे जाके कंप्लेन ना करें, बहुत पहले से ही अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखें कि हमने शादी क्यों करनी, क्यों करनी। बिल्कुल सही। शादी एक वैसे भी फरीजा है, शादी तो करनी ही होती है, मगर जहन में काफी चीजें रखनी चाहिए। मसलन शादी मजाइल चंगी जहाज जेन में रखने चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले ये कि अपने अंदर पेशेंस पैदा करने चाहिए, टॉलरेंस, ये सारी चीजें मिलजुल के। हाँ, लेकिन पेशेंस और टॉलरेंस पर दोनों साइड्स पे होना चाहिए। दोनों साइडों पे ही तो होना चाहिए। दूसरी साइड पे पहले आप शो करेंगे तो वो भी करेगा ना। यार जरूरी नहीं होता ना। हाँ जरूरी नहीं होता। शादी करने जाना के साथ क्या कहूँ। कभी कभी एक साइड से आप सारा कुछ कर रहे होते तो दूसरी साइड पे नहीं हो रहा होता, मगर आप अपनी कोशिश तो करें ना। फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको करनी चाहिए। वो क्या है कि उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि नहीं था, तुम अपनी सी निभाए जाते। लेकिन ऐसे फराजी कर सकते थे और कोई इतना महान नहीं है। चेंज हो गया है, माहौल चेंज हो गया है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब तो लोग थोड़ी देर के बाद कहते हैं सानू की, सानू की का मतलब क्या है, तो प्लीज आप चली जाए। हाँ प्लीज आप चली जाए। शाजना सर सबसे पहले इससे मशवरे दो कपड़ों के बारे में, यहाँ पे आके पास आके मशवरे देने हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा बच्चा के कपड़े क्या क्या बैठ के जा रहा है, रास्ता सही सही होना चाहिए। अच्छा जी, पहले तो इनकी माइयों के लिए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आजकल लहंगा चोली
मायों के लिए बेस्ट है ठीक है बट मायों पे थोड़ी जाना है उसे तो पूरी जिंदगी अब कपड़े पहनने हैं क्या कपड़े पहनेगी उसे कैसे पहनने हैं उसे किस चीज का ख्याल रखना है अगर मियाँ कहता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और सास कहती है लो इसको तो अपने फैशनों से ही फुर्सत नहीं है तो फिर उसने क्या करना है मियाँ की माननी चाहिए मियाँ की माने सास की ना शादी आपका क्या ख्याल है मैं तो कहती हूँ ये अच्छा तैयार होना चाहिए अच्छा मतलब ड्रेसअप होना चाहिए आपको दुनिया देखती है जाहिर है न्यू कपल को तो वैसे भी लोग देखते हैं ठीक है मेकअप नहीं माननी चाहिए अपनी माननी चाहिए अपने दिल को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए और हस्बैंड को भी जो अच्छा लगे वो करना चाहिए बिल्कुल सही और जाना आपका क्या ख्याल है यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बट आई एम मोर कंसर्न्ड कि माइयों का जो जोड़ा है उसका रंग क्या होना चाहिए आजकल क्या फैशन में आजकल फैशन में ज्यादा ऑरेंज येलो ग्रीनिश मतलब सब कुछ चल रहा है पीच भी है पीच भी है पीच बहुत इन हुआ कंपल्सरी नहीं है कि आप किसी एक कलर पे ना स्टक हो गए हो जो भी पहनोगे वो ट्रेंड है वो अच्छा लगेगा तो मायों में दुल्हन जितना तैयार होना पड़ता है ड्रेसअप करके उतना ही मेकअप भी सारा कुछ चोली लहंगा सब कुछ पहना जा कितना प्यारा फूलों की ज्वेलरी पहनाते हैं बहुत खूबसूरत लगता है यही तो चंद दिन होते हैं जब फैंटेसी में रहता है बंदा अब तो फुल ज्वेलरी उसने पहन लेते पहले सिंपल बुंदे पहन लेते इवन मेकअप नहीं करते अब तो प्रॉपर ब्राइडल जाती है सैलून मेकअप करवाने के लिए पहले जरा वो खूबसूरत था कि गजरे वजरे पहने हुए और खूबसूरत अच्छी लुक आती है आपको कौन सा अच्छा लगता है मेहंदी मायूं निकाह भरा या वलीमा सारी अच्छी लगती है रुखसती के वक्त बस जरा मैं सैड हो जाती हूँ मेहंदी 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 और ढोलकी मेहंदी और ढोलकी शादी हुई ना शीन की शादी हुई ना जो नागिन ड्रामे में मेरी नागिन बनी हुई थी मैं उसकी शादी में गई वो उसकी आंखों में कम आंसू थे मेरा रो रो के उसकी रुखसती पे और मुझे बार बार कह रही है मैं परसों आ रही हूँ सेट पे मैं मिलने आ रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ बट आई वॉज जस्ट क्राइंग माई आईज आई वॉज सो सैड बट आई वॉज वेरी हैप्पी ऑफकोर्स के उसकी शादी बहुत अच्छी माशाला माशा उसकी फरियाल भाई इज वेरी स्वीट बहुत अच्छे हैं उसके हस्बैंड बट एक वो होता है ना रुखसती पे यू नो इट जस्ट मेक्स यू क्राई आज है ना वहां पे बहुत सिंपल उदास हो जाता है हां लेकिन अभी हम उदास तो मेहंदी फन है मेहंदी पे डांस करो अभी अभी तो रौनक वाला टाइम है अभी तो मशवरा पार्टी चल रही है हां मशवरा हो जरा मेहंदी या शेंदिया हो अभी तो पूरा अभी तो सीजन मजा करना वाला तैयार कर रहे हैं अभी तो पार्टी वाली भी कर रहे हैं हां तो चलो अभी से लेके चलेंगे और आपने इसे क्या कपड़े पहनाने आपको कपड़े पहनाएंगे और हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं चन चढ़िया खुशामदीद मैं तो आज हैरान हूँ और बहुत खुश भी हूँ इसलिए कि बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी मशवरा पार्टी चल रही है लड़की अभी तक तैयार होके आई नहीं है और हम सब यहाँ पे इतने एक्साइटेड हैं कि वो आए जल्दी से तो हम उसका मेकअप करें तो हम उसको तैयार करें तो हम देखें उसने कैसे कपड़े पहने वैसे हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत प्यारी सी एंड वेरी टैलेंटेड रिजा थैंक यू आए ना हाउ आर यू आई एम गुड आप कैसी हो कहाँ गायब हो यार गायब तो नहीं हूँ यही हूँ बस कराची लाहौर एक्चुअली मिक्स प्रोडक्शंस हो रही हैं तो उनमें गायब हूँ उनमें गायब हूँ वेरी गुड लेकिन आज हम कर रहे हैं शादी की मशवरा पार्टी ओके यू हैव टू टेल अस कि क्या मशवरा होगा रिजा की तरफ से मेरी तरफ से ये मशवरा है कि बस हंसी से समझ जा कि क्या मशवरा है हमें नहीं समझ बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाँ खुश रहें एक दूसरे के साथ हाँ और बस खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखें खुश रहें और खुश रखें ये रिजा का मशवरा है थैंक यू रिजा मगर अभी बहुत कुछ होने वाला है Okay. आपको पता है क्या जरूरी है किसी लड़की के लिए जब उसकी शादी हो रही है मेकअप आना चाहिए उसे कपड़े पहनने आने चाहिए उसे बातें बनानी आनी चाहिए या उसको खाना बनाना आना चाहिए सब कुछ आना और उसको आई थिंक हस्बैंड को बेवकूफ जरूर बनाना आना चाहिए अगर वो बेवकूफ नहीं बनाएगी तो उसे कोई और बेवकूफ बना जाएगा ना ओह वेरी गुड ये बात सही अगर आपने किसी फॉर्मल डिनर पे जाना है या इवेंट पे जाना है तो आजकल फिर आप इस तरह के कुछ कपड़े जो हैं उनको ट्राई करें ये पैपलम है ये पैपलम है और इसके साथ नीचे गरारा स्टाइल बना हुआ है ठीक है तो पैपलम में भी चलता चला जाएगा तो बस चलता जा रहा है ठीक है अच्छा तो आपने नहीं इसे मशवरे देने मेकअप के और तैयार होने के और दुनिया के दिल में उतरने के सजना संवरने की किसी और की तरफ नजर ही ना जाए तो चलो आओ फिर बैठो और आपको बताएंगी मरिया शाह साहिबा कि कैसे सचना समझना है और क्या क्या कुछ करना है हाँ मैं करके बताऊँ हाँ। स्टाइल आइकन मदिया जी ओके मैं करती हूँ रियली ट्राई करती हूँ अब देखते हैं अल्लाह मालिक है नहीं क्यों आप से खुद तैयार होती है अभी आपने कहा कि इतना तैयार होना है कि किसी और की तरफ नजर बस इतना तैयार होना चंदा
कि बस वो फड़क जाए। नहीं अच्छा वैसे फड़कते हैं त्यार देख के। अच्छा मेरा मुंह इधर है शायद। हाँ, इधर आप इधर आएंगी, इधर आएंगी, इधर आएंगी जी। हाँ जी। अच्छा एक बार बड़े मरी थी फड़कते मतलब कि आजकल ना शॉर्ट टाइम हो गया। मैं 3 महीने तो फड़केंगे ना। कितने देर फड़केंगे? 3 महीने। 3 महीने सिर्फ 3 महीने। पहले तो 2 साल जनाब हस्बैंड बंदी को देखे जा रहा है, अब बंदा बहुत खवातीन एक्चुअली कम थी ना, अब औरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं इस वजह से। शॉक भी होता है, ये कसूर भी औरतों का ही है, गलती भी मर्दों की नहीं है। रिजा क्या बात है। अच्छा अब क्या होने लगा है? तो लाइट को बेस करने लगी हूँ। ठीक है, मुझे आता है दुल्हन का तो एक हक होता है तैयार होना, सजना सबरना, स्किन केयर रूटीन वगैरह सारा कुछ एक हक है उसका। हाँ। लेकिन दुल्हन से ज्यादा उतावले होते हैं दुल्हन के घर वाले, यू नो, जो बहनें होती हैं, जो खाला होती है, उसको ज्यादा पड़ी होती है कि मेरा मेकअप कैसा होना चाहिए, मेरा मेकअप ऐसा होना चाहिए, मैंने ऐसा दिखना है। हाँ। ये हेयर स्टाइल वो, और बेचारी दुल्हन जो है वो बीच में रह जाती है। साथ साथ मशवरे भी तो दो ना, सिर्फ मेकअप ही थोड़ी है कि वो कर रही है तो मेकअप हो रहा है, मेकअप से रिलेटेड मशवरे। अच्छा अगर शौहर जो है वो पैसे ना दे जा, लेकिन सर फाड़ दो डायरेक्ट सर, आप लोग पैसे खर्च ना करवाए तो कहीं और खर्च कर रहेगा। जैसे सच के ठीक है। सर फाड़ने के लिए क्या चीज रखी जाए, क्या चीज सबसे, किचन में जाओ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो निकाल के सीधा था। हाँ ना, या लंबी लंबी हील्स वाली जूतियाँ खरीद। अच्छा नहीं सीरियसली यार, नहीं देते बाजू का, अगर साथ फरमाइशें भी करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, यू नो, लाइक देने चाहिए। सारी फ्रेंड्स को लेके जलवार कर दिया जाए। उसके ऊपर खुला छोड़ दिया जाए। शर्म नहीं आई, तुम खर्च नहीं कर रहे, क्या बदतमीजी है ये, खर्च करो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, क्यों आया था तुमने। ठीक है, और अगर कभी ना शो जो ना वो मेरा फेवरेट शो है, ऑनेस्टली हाय हाय। मगर बड़े बड़े कलेजों में ठंड पड़नी है, मैंने कह रहे क्योंकि आज इतने मसालेदार और इतने चटपटे लोग आए हैं शो में। अच्छा लेकिन जाना अभी तक चुप है, जाना की टिप्पणी आई है, नॉट फेयर। मेरे हिसाब से आजकल का कोई मेरा जो थोड़ा सीरियस था एक वो है, मेरा सीरियस ये है कि आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जाए बाहर कमाए और दीदी घर में बैठ के तो तैयार होकर बैठी रहे कि कब मेरे शोहर आएंगे। आजकल जरा चीजें डिफरेंट हो गई है, हालात डिफरेंट हो गए, बोथ ऑफ देम शुड वर्क। एग्जैक्टली ठीक है, भी आ गया यार, सकते हो अब भी तो ये चल रहा है सीन के वो तैयार चाहता है और मुझे किसी का पता नहीं है। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मैं तो आधे घंटे से ज्यादा अपने कमरे में नहीं बैठ सकती। तो मतलब घर में बैठने की आदत नहीं है। तो हस्बैंड को आदत डाल दो, वो हर वक्त सुनता रहे। कुछ तो होगा, बातें इतनी चटपटी सुनाओ कि पागल हो जाए। ओके मेरी बीवी से ऐसा कोई नहीं सुनाता कुछ भी। अच्छा अच्छा लेकिन अगर पैसे वो ना दे रहा जाना और खुद भी वो ना कमाती हो कुछ, तो फिर ये है कि फिर नाराज होके ट्राई किया जाए। और कैसे नाराज होके, फर्ज किया वो नहीं दे रहा, कैसे नाराज होके? खाना देना बंद कर दो, बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो, बंद कर दो। हाँ जवाब नहीं दो तो वो खुद ही पूछेगा क्या हुआ, मूड ऑफ, क्या हुआ जानू, मूड ऑफ था आपका? जानू बस सांस पे, मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, मैं क्या चाहिए मेरी जान को? बस कुछ नहीं पूछो। मैं इतने इतने अच्छे इतने अच्छे हो तो रोना क्या। अच्छा अब अगर बीवी बड़ी प्यार हुई है अपनी तरफ से कि उसे लग रहा है कि मेरा शोहर बकौल मदिया शाह साहब है, देख के फड़क ही उठेगा। हाँ। और शोहर ने नोटिस भी नहीं किया कि आपने कुछ किया हुआ है, आप उसे नोटिस करना बंद कर देना। जब जितना मर्जी सजे समरे गंजा टोपी पहन ले, देखे ही मत उसकी तरफ, जो मर्जी कर ले वो, उसे तो देखे ही मत। सबसे बेस्ट पता क्या था, गंजा टोपी पहन ले। वो गंजा होकर टोपी पहन ले, कुछ कर ले, जितना मर्जी सीन करने की कोशिश करे, आप उसे इग्नोर करें। 4 मिनट में ऐसे सेट होगा, ऐसे बिल्कुल सही, छोड़ दे उसको उसके हाल पे, रोटी देना बंद कर दे। मतलब इसकी तो रोटी की टेंशन, रोटी की तो टेंशन, रोटी की तो बात ही नहीं है, उसे सब कुछ, उसको स्माइल देना बंद कर दी जाए, उसको उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, अगर सिगरेट पीता तो सिगरेट चुपा देनी चाहिए। अच्छा। ऐसी छोटी छोटी चीजें करें, खुद ही भाग जाएगा, थोड़ा सा उनका भी लिहाज करना यार। हमारे भी घर, हमने भी घर में जाना है, फिर बाहर चला जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हैंड नहीं देंगे। मेरा ख्याल है आज जो है ना ये वाला शो
पूरी दुनिया के हस्बैंड्स को देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। शामदीद और वेरी गॉर्जियस नताशा ने हमें ज्वाइन किया है। कैसी है नताशा? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी नताशा को क्या कलर पहना हुआ है? वाह वाह वाह, क्या कलरफुलनेस है, जबरदस्त ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, वैसे ही बड़ा खिलता हुआ लग रहा है। आप दोनों के जो कलर्स हैं ना वो बड़े कलरफुल हैं। और मेरे रिजा के और हमारे, हम एक पार्टी है और ये एक पार्टी, तुम लोग हम फन पार्टी, हम लोग स्किन स्किन, हम एक्चुअली कलरफुल लोग हैं। यस एक्चुअली यस, हां अब जिंदगी से भरपूर लोग, जिंदगी से भरपूर खुश रहने वाले और खुश रखने वाले। क्या मतलब है, हम पत्तों की से आए? हम पत्तों की से आए, पत्तों में कितने प्यारे फूल होते हैं। देखो तुम शादीशुदा औरत हो, औरत तो शादीशुदा औरत ही हो जाती है भाई, क्यों मैं सही कह रही हूं? शादीशुदा लड़की भी होती है। ओके, शादी के बाद कोई लड़की लड़की रहती है, औरत बनती है। बाद में मिलना मुझसे, तुम पीछे आ रही। अभी जब शादी शुदा औरत है फिर क्या होगा? फिर बस तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बोरिंग बोरिंग कपड़े पहनेंगी, बोरिंग बोरिंग रंग पहनेगी, ब्राउन्स होंगे, फॉन्स होंगे, अर्थ टोन्स होंगे। नहीं, लेकिन मेरी मेरे अंदर से अल्लाह का शुक्र है, घर में कोई रास्ता नहीं है, खाने पकाने हैं, मासियों को संभालना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर से अभी भी लड़की बना नहीं गया है, नहीं गया है, सही बिल्कुल सब लड़की बना जाना भी नहीं चाहिए। मेरा एक इख्तलाफ है भाई शादी, मैंने आपसे पूछा था भाई लिपस्टिक तो रेडी अच्छी लगती है, आपने ऑरेंज क्यों लगाई? भाई मैंने इसे लगाई, इसका कलर देखे ना, ब्राउन है, हाँ। तो यही अच्छी लगेगी। हाँ, लेकिन रेड लिपस्टिक का एक अपना एक वो है ना, रेड अभी अभी रेडी लगाई ना, अभी तो नहीं दुल्हन है। किस किस रेड लगाई है? रेड तो खास मौके पर रखती है ना, नहीं लगाते हैं मगर खास मौके। रिजा की बड़ी प्यारी लिपस्टिक है। आदा वो हो, मैं और रिजाशा तो मिली नहीं मेकअप के चक्करों में। उसको तैयार होना अच्छा लगता है मगर उसकी सास को अच्छा नहीं लगता। सास बदलो, सास बदलो, हमारी सास को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, बिल्कुल शादी। नो, वो कहती है हमने नो इवन लिपस्टिक। सास मेरी सास हुआ, हम दोनों मिलके तैयार हुआ करेंगे। शाबाश, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप उनको भी ना ऐसे लाए, मैं आपका मेक ओवर करती हूँ। ये करना चाहिए इंसान को, थोड़ी स्पिरिट तो है ना उसमें, हिम्मत तो है। लाइनर आपने लगाया है, बड़ा बुकिश बुकिश आइडिया है। कोई सांस नहीं बातों में आते, कोई सांस नहीं, इतना तैयार जरूर होना चाहिए, इतना सा। ठीक है, आप इतना सा रेडी होके रहे, हस्बैंड कहीं नहीं जाते, फिक्र नहीं। अच्छा, शादीशुदा लोग बोलते हैं शादीशुदा में तैयार होना, शादीशुदा जो बंदी है या लड़की है उसको ही तैयार होना चाहिए। वैसे भी आप नहीं भी है, वैसे भी आपको अपने आपको आई थिंक एज अ इंसान जो आपको अपने आपको जो है वो अपडेट रखना चाहिए। लेकिन एक और एक और आजकल बहुत अपडेट है माशाल्लाह, और इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगानी होती है, इसलिए उसके लिए तो तैयार होना पड़ेगा। या आप शौहर के लिए तैयार होंगी, आप इंस्टाग्राम के लिए तैयार होंगी, मैं खुद से नहीं होंगे तैयार, अपने लिए होना चाहिए, अपने लिए तैयार होना चाहिए, अपना दिल खुश रखना चाहिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद आप हर जगह पोस्ट करें। हाँ, नताशा का मशवरा रह गया, नताशा के सास नहीं तैयार होने देती, लेकिन उसने खुद ही जवाब दे दिया ना कि मैं अपनी सास के साथ मिलकर हम दोनों दोनों तैयार हुआ, इसलिए तो इसको हम समझाने आ जाएंगे, इसलिए तो इसको मशवरे देने से पता ही नहीं। और मेकअप की ड्यूरिंग जो मैंने समझाया वो याद रखना है बच्ची, वो बिल्कुल नहीं बताना किसी को कुछ नहीं। सास को ये भी कह सकती हो कि आप मेरी सास हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो बेटा है वो मेरा हस्बैंड है, और मुझे उसको खुश रखने के लिए मुझे अपने आप को बना सवार के रखना है। हाँ, तो मैं खाना भी बना लूंगी, तैयार होके मैं सब कुछ कर लूंगी, कोई और देखो ये बिल्कुल ना करना कि तुम शादी के बाद किचन में घुस गई हो और बच्चों में लग गई हो और घर के और लहसुन की स्मेल आ रही है, हाथ हाथ जो है देखने के काबिल नहीं रहे और पैरों की एड़ियां फटी नहीं है और
किचन जो है वो सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। ये हरगिज ना करना, वही 3-4 घंटे जो तुमने अपने किचन के देने हैं वो दो, लेकिन अपने लिए पूरे दिन में 2 घंटे लाजमी निकालने हैं। बिल्कुल सही कह रही है। और इसी बात पे ताली है। आप वो कहे अगर कि यार तुम प्यार तो बड़ी होके फिरती रहती हो, घर के काम तो तुम्हें आते नहीं है, तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, काम भी करे ना, मैं काम वाली रखूंगी। लेकिन आदमी को, मर्द को बहुत अच्छा लगता है जब उसकी बीवी उसके लिए खुद कुक करती है और खाना बनाती है। और बिना जगह जो बनाती है, मेरे नानी का जमाना है, इक्वल होना चाहिए। वो करे तो दूसरा भी करे। मासी ट्रेंड है ही नहीं मेरी फैमिली में, तो नौकर ट्रेंड और मासी ट्रेंड ये है ही नहीं है। सारी जिंदगी खुद मैंने अपनी अम्मी को पूरे घर का काम करते हुए देखा है, किचन से लेके सफाई तक। खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाथ इतने खूबसूरत रहेंगे उसके बाद भी जब आप किचन में ऐसे काम करेंगे। मैं अभी भी काम करती हूँ कराची में, खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुझे बहुत खाने खिलाए। दो महीने बाद शादी है इसकी। अच्छा, चार अभी से वो सारी है। मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो हमें क्यों बनाया नहीं कर लेंगे। हम हिम्मत देंगे तो कुछ करेंगे ना। अच्छा ब्लेसिंग किचन, अब ये करेंगे हम के नताशा जी हमें बताएंगी कि जब इसे जाना है तो पहला मीठा ऐसा क्या बनाना है कि सास ससुर देवर देवरानियां जेठानियां जिनको भी उन्होंने उस दिन बुलाया है, खासतौर पर शौहर को, ये ना कह सके कि हमारे घर आके नहीं सीखा है। ठीक है, अच्छा से कुछ नहीं आता। ये बात मैंने ओके कर तो दी, ऑल्दो आई एम नॉट मैरिड येट, लेकिन लेकिन क्योंकि मैंने जो सबसे पहली डिश सीखी थी स्वीट डिश, वो तो जो ट्राइफल था वो मैंने क्योंकि सीखा था, तो फिर अब मैं जब भी अपने घर में कभी नहीं इतना तैयार हो कि किचन में जाना है। देखो हम कह रहे हैं, लो चावल ना दो, अरे अब कौन सा दो आ रहे, इतना तैयार होके कैसे जाओ, हां ऐसे इतना तैयार होके जाते हैं किचन में, अच्छा बार बार चक्कर लगाते हैं, सिर्फ इतना कर लो ना, ये सेटिंग होगी स्वेटिंग हो, बार बार चक्कर लगाता है किचन के, बार बार देखता नहीं बेगम सेट है वो मेकअप सेट वाला स्प्रे होता ना वो लगा के, तो किचन में सारे टेंशन में रखना है, बस उसको टेंशन में रखना, ये टेंशन करवा के टेंशन में रखना है। वाह वाह वाह, तालियां यार इस बात के लिए। अच्छा अब मैं सिखा आपको रही हूँ यहाँ पे, तो माशाल्लाह सारे सीखे हुए मुझसे भी ज्यादा लोग, मुझसे भी ज्यादा सीखे हुए। ट्राइफल बनाना आपने, तो उसके लिए पहले आपने कस्टर्ड बनाना है, आपको आता ही होगा कस्टर्ड बनाना, इतनी भी कोई बात नहीं है किसी को कस्टर्ड ना बनाना आता है ना, तो उसके लिए अभी क्या कह रही थी मैं सब कर लूंगी, बेटा बहुत गुड़ है आप, क्या बनेगा आपका, मुझे दुपट्टा बांधना आने वाले लग है, देखो उसने किचन में जाते ही नहीं, ये बात है पहले फोकस करने वाली। हाँ हाँ, किचन में काम कर रहे हैं ये जरूरी है। अच्छा यार अब जैसे अगर बीबी बिचारी सो रही है और मियाँ आया है आधी रात को काम से, तो क्या उसके लिए लाजिम है कि वो उठ के उसे क्या करना चाहिए, उसे उठ के फौरी तौर पे गर्मा गर्म रोटी बना के देनी चाहिए, उसे रात को हॉटपॉट में रोटी बना के रख देनी चाहिए, पहले आप लोग बताएं क्या कहते हैं, हॉटपॉट में बना के रख देनी चाहिए कि जब आएंगे तब खा लेंगे, या रात को उठ के ताजा बना के देनी चाहिए, रखनी चाहिए गरम गरम रोटी बना के देनी चाहिए, ना देनी चाहिए, वो रात में 1:30 बजे आए तब भी, तब भी बीवी का फर्ज है, बीवी होती किस लिए, 3 बजे भी आए 2 बजे भी आए, ओ वेरी गुड, उनका पूरा जुमला नहीं सुना है, पूरा क्या है, बीवी होती किस लिए, बीवी होती किस लिए, शोहर के दिल में जाने के लिए उसका रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो आप मजे मजे खाने बनाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, कभी उसके दिल पे राज करेंगे, बीवी काम वाली थोड़ी होती है, नताशा को समझ नहीं आई है भाई, नताशा पता है क्या है, वो ये कहना चाह रही है कि जो घर की औरत है बीवी है वो होती है इसलिए कि घर का काम करे, हाँ। वो कह रही है कि रात को 1:30 बजे भी मियाँ है ना, हाँ। तो बीवी का फर्ज है कि उठे फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना के दे, अगला लाइन उनकी बीवी होती किस लिए है, नाइस टू मीट यू, बिल्कुल जरूरी है। पहली बात तो ये है कि बीवी इसलिए नहीं होती, रोटी नहीं बना के दी, आप ये जरूर कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की समझ में नहीं आता, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीवी की कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, लेकिन उस होती किस लिए का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात ये कि मियाँ को किसने कहा है कि वो रात को 2 बजे घर है, अगर उसकी नाइट शिफ्ट की, और वो आया कहाँ से, पहले तो ये भी पता लगे ना, हाँ रात को तो मुझे क्यों मतलब है, वो कुछ
भी करके आ सकता है। मैंने पार्टी चेंज कर ली है। वो आया किस लिए? 2 बजे बताया उसने कि वो किस लिए आया, और जहाँ से वहीं से खा के। लेकिन जी अगर मैं यहाँ पे आना नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने बिल्कुल हाथ साफ धो धा के आई हूँ, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं कोई अनहाइजेनिक काम कर रही हूँ। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? हम लोग जब भी करते हैं हाइजीन, ये हो क्या रहा है? मैं इसको सिखा रही हूँ, आप लोग अपना काम करें। ये बस मुझे देखती रहे। हमारा फोकस इधर ही है। अच्छा, सबसे पहले नीचे एक जबरदस्त नताशा, इस मीठे का कोई खास नाम रखो। अब मैंने इसका नाम मैं क्या रखूं, पता नहीं, मैं तो इसको ट्राइफल ही बोलती हूँ। ठीक है, नताशा स्पेशल ट्राइफल, नेटीज, हाँ नेटीज मीठा, हाँ। अच्छा, उस वक्त क्या हो अगर आपने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करके बड़ा शानदार सा खाना गर्मी में पसीने में खड़े होकर बनाया और मियाँ ने खा के कह दिया अम्मी के हाथ के बने हुए करेले याद आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अम्मी के पास जाके खाए। हाँ, अम्मी के पास गुजार के आए, फिर करेले खा के आए, फिर आए। मैं आपको सड़ी में दाल खिलाऊंगी, आप अम्मी के करेले भेज दो अम्मी के पास। कोई महीना ये तो कराची में इतने मजे मजे के खाने खा रही होती है। ये इसकी तो मैं स्नैपचैट देख देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा होता है हर वक्त। इतने मजे मजे खाने का शौक है ना। अच्छा, नहीं सेहत से तो बिल्कुल नहीं पता चलता। स्लेव स्मार्ट हो, मुझे खाने पीने का, खाना खुद से बनाने का। प्लीज हमारी टीम, हमारी टीम ये बताएगी कि ये 1 लीटर ही दूध था ना। हाँ बिल्कुल, 1 लीटर दूध है क्योंकि डब्बे में 1 लीटर ही होता है बस, तो वो पूरे का पूरा है। और आई थिंक जिनको खाना बनाना आता है ना, उनका दिल चाहता है कि हम बनाएं और दूसरे लोग खाएं। बिल्कुल सही। तो लड़की अभी तक तुमने क्या सीखा है? जवाब वही आएगा, 3 बजे तो उठ के रोटी बना के दोगी? नहीं नहीं, खुद बनाए खुद खाए, खाए खुद खाए। बच्चे भी 2 मिनट में नहीं है इसके बस। अच्छा अब ये देख लो, तुमने ये देखी है सारी चीजें, घर बसाने की तकरीबन उबलने वाला है। तुमने 4 चम्मच चीनी के डाले, 4 से ज्यादा, हाँ 1 लीटर में 4 से ज्यादा भी डाला जा सकता है, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से तुम्हें बता रही हूँ। बॉयल होने से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा, क्योंकि बॉयल होते होते तो हमने कस्टर्ड ऐड करना है ना। अच्छा नताशा जी, आपने खाने में इतने प्यार से खाना बनाया यार। अब बंदा नया नया खाना बनाता है, उसे तो नहीं पता होता ना अगले बंदे का टेस्ट क्या है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्च कम हो जाती है, कभी कम ज्यादा चलता ही रहता है। और शोहर जब चिल्लाना शुरू कर दे पार लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, खाना बनाया है तुम्हें नहीं पता इसमें नमक कितना तेज है, तो बोलो जाओ जाके ऑर्डर करो। कितने रेस्टोरेंट है, फूड पांडा है, ऑर्डर करो। पहली बात तो ये कि मैंने अपनी अम्मी को देख देख के उनसे सीखा है सारा खाना। तो ये जो खाना मैंने सीखा है उसमें मेरी अम्मी ने हमेशा अंदाजे से सारा नमक डाला, मिर्चें, नमक, मसाले, अम्मी हमेशा से मैं उनको देखती थी कि वो अंदाजे से डालती थी। ठीक है, तो अब 4-5 साल से जब से मैं खाना बना रही हूँ तो मैं भी अंदाजे से ही नमक मिर्चें डालती हूँ, तो वो इतनी एक्यूरेट होती है कि वो जरूरत नहीं पड़ती। क्यों रिजा, तुमने तो खाया है खाना ऐसे ही अंदाजे से? मैंने नताशा के हाथ का बना हुआ आलू गोश्त खाया है, मैंने मूंग मसूर की दाल खाई हुई है, मैंने शिमला के मिर्ची कीमा खाया हुआ है, मैंने नताशा के हाथ के गुलाब जामुन खाए हुए। ये हमें कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रही है कि हमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं, आज हम नताशा को जान खा ली और अगर फिर भी मेरा होने वाला शौहर जो भी कोई है, खुशकिस्मत इंसान, वो अगर ये कहे कि मेरे हिसाब की नमक मिर्चें नहीं है, हाँ, तो मैं उनसे पूछ के दोबारा बना दूँ उसी वक्त बना दूंगे। 1 घंटे एक घंटे का टाइम लेके भाई, उनको दिल ही खुशी हुई है, उन्होंने दिल से तालियां बजाई है। पहली दफा किसने बजाई है वैसे ही? ये इन्होंने दिल से, वो आपके टाइप की बात कर दी ना मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ, सास बड़ी डोमिनेटिंग है इसकी, ये याद रखना। सास बहुत डोमिनेटिंग है भाई, और अगर वो ना किचन में आने दे, वैसे मुझे मैं अभी तो 2 महीने रहते हैं ना शादी में, सास डोमिनेटिंग है तो क्या इसको किचन में ना आने दे? किचन में नहीं आने देती ना, वो कहती है मैं बना देती हूँ। और क्या चाहिए अगर ये आए? अच्छा है, हाथ भी बचेगा, स्किन भी बचेगी, पिंपल्स भी होंगे, और क्या चाहिए? हाँ हाँ जाओ जाओ, हमारी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे केले जाना खाना बहुत अच्छा बनाती है, जाना खाना बहुत अच्छा बनाती है। केले केले बात
केले दो जल्दी से, कोई बात नहीं फ्रूट से चल जाएंगे ना, फ्रूट ट्राइफल मैं पूरी चले जो मुझे केले के बगैर तो ट्राइफल नहीं बनेगा, बाबा केले के बगैर नहीं बनेगा। अच्छा, पानी अच्छा, आप बता रही थी कि इसकी सास डोमिनेटिंग है और किचन बहुत ज्यादा करती है, ये काम कर रही होगी तो वो आएगी और वो कहेगी कि यार कर रही हो, वो कर भी लेंगी साथ साथ। सास जो है हमारी काफी वैसे इंटरफेरेंस करती है कि बहू किचन में ना आए, अगर आई है तो मनूसत हो गई है और ये घुसे ना अंदर और ये कुछ ना बना सके और हस्बैंड को पका के ना दे सके। अच्छा ये मैं जो दिखा रही हूँ ये ग्रैंड है, इसका नाम लेना जरूरी नहीं है, इसको सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि रैपर उतार दिया गया ना तो मैं उससे अंदाजा कर रही हूँ। ठीक है कि आप इसको लेंगे। ठीक है मैं पूरी दुनिया को थोड़ी सिखा रही हूँ, पूरी दुनिया ही वैसे सीख रही है। और ये इतने मजे की चीज होती है कि यू कैन नॉट, यू कैन जस्ट स्टार्ट ईटिंग इट फ्रॉम द थिंग ओनली ना, यू कांट स्टॉप ईटिंग। ठंड की वजह से ना बहुत ज्यादा मत करो, इतने मजे की माउथ वाटरिंग, ये बहुत मतलब एडिक्टिव है ये एक चीज, ये मैं कह सकती हूँ ये मैं पूरा बैठे बैठे 15-20 मिनट में खा सकती हूँ। वाकई सीरियस, लेकिन खा के फिर आप अपना वेट कैसे मैनेज करती हो? नहीं अब नहीं खाती ना, उसके बाद 10 दिन तक कुछ नहीं खाया होता ना, इस वजह से सकती हूँ लेकिन खाती नहीं। हाँ खाती रही हूँ बहुत, तो अभी इसके ऊपर फैला देना है। उसकी तो टिप इतना हुआ है कि शादी वैसे कर नहीं पा रही, तो आपने टिप दी नहीं कि क्या करे फिर ऐसी सास का बदला। हां जी मैंने तो अभी बात कर रही थी, बात ही मेरी कट गई है। मैं ये कह रही थी कि सासें काफी ज्यादा ना किचन में नहीं आने देती। अच्छा ये देखिए अब कस्टर्ड हमारे नमक मिर्च ना छेड़ दे, हमारे मसाले ना छेड़ दे, दुल्हन का नाम हम चीज कर रहे हैं वो ये ना कर दे। दुल्हन का नाम, दुल्हन का नाम क्या? वो कुछ नहीं, नीलम। ये देखो कस्टर्ड बन गया है। ठीक है अब ये जो मैंने लेयर बनाई थी पहले तुम इसके ऊपर कस्टर्ड, और फिर वो चॉकलेट ना गरम गरम कस्टर्ड के साथ मेल्ट हो जाएगी। हाय हेवन, दिस इज हेवन है ना, बस क्यों ये मत क्या जाना जाना मेरे ख्याल में मीठा फेवरेट है बहुत, ये चॉकलेट बना रही हूं। कोई बात नहीं, तुम खा लेना, मैं उसे वो मीठे की टिप दे रही है कि बस जाके बनाएगी तो बस सब लोग। अच्छा जितने लोगों को गिला है कि नताशा के हाथ का खाना नहीं खाया हुआ या उसके हाथ का कुछ बना हुआ नहीं खाया हुआ, तो आज आपको शर्फ हासिल हो जाएगा कि आप जो है वो नताशा के हाथ का बना हुआ कुछ खा लेंगे। वेरी गुड, और टिप भी हमें मिल जाएगी। वापस इसी बात पे आए हैं तो फिर सास को क्या कहे, वो कहे अम्मी जी, उसे क्या कहना चाहिए, अम्मी या आंटी? अम्मी जी, अम्मी जी कहना चाहिए, वो मदर बन जाती है ना फिर वही मदर। हाँ अच्छा अब शर्त ये है कि वो भी आपको अपनी बेटी समझे। इस कस्टर्ड की पहली लेयर के बाद ओके नीलम हमने थोड़े से फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड करने हैं। अभी अभी ये बहुत गर्म है, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको 5 मिनट रहने देती हूँ और जब ये थोड़ा सा जमना शुरू होता कस्टर्ड फिर मैं इसको ऐड करती। लेकिन अभी इस लेयर के बाद जो भी कोई अगर कर रहा है तो वो यूँ। नताशा अम्मी कहेंगी आप या कहना चाहिए आपके ख्याल में या आंटी? मेरी सास को हाँ शुड बी अम्मी, शुड बी अम्मी, अम्मी की तरफ होगी, अम्मी कहना चाहिए, अम्मी कहना चाहिए। इधर क्या ख्याल है? क्योंकि अम्मी में ना बहुत बहुत मिठास और बहुत ज्यादा अपनाइयत है, ममता है अम्मी के अंदर, तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। हाँ अगर कोई ऐसी सास हुई जो कहेंगे कि मैं तो अभी तो बहुत छोटी हूँ मुझे अम्मी वम्मी बिल्कुल मत कहो, मेरा नाम लो, आप उनको नाम से फिर मैं नाम से ही पुकारूंगी। कोई सास मैं आंटी, अगर वो बोले कि मुझे अम्मी मत कहो या मुझे आंटी मत कहो, आप उनको उनका नाम, उनसे दोस्ती ऐसी कर लें कि आप उनको मतलब लाइक फ्रेंड्स की तरह। तो नीलम क्या कहने वाली हो फिर अपनी सास को? अगर अम्मी ना पसंद हुआ तो मैं कहूँगी जानू थोड़ी बना के रखूंगी, बदतमीजी इतनी बेशरम निकलोगे तुम। मुझे तो कहा होगा लेकिन मैंने कभी किसी को जानू नहीं कहा, आई हेट जानू। सासू कह रही है ना कुछ मान जाए, जानू मान दोस्त बनाऊंगी ना, बनाओ बनाओ मेरी एज बड़ी, तो जानू कहो, जानू जर्मन कहो, जाने जाना कहो, जाना मलिक कहो। अरे वैसे मैंने जानू लव सास के लिए पहली दफा सुना। जानू एक बड़ा टिपिकल वर्ड है, हार्ड तोड़ दिया है। मम्मी की मामा को भी ट्रेंड कर रहे हैं ना, पर जानू ही जब मुझे मामा से कोई काम होता तो फिर मैं कहती मामा जानू, तो फिर वो समझ जाती है काम है मेरी बेटी कर देती है। ठीक है ना, परफेक्ट है। फिर किचन के सारे मसले हल हो गए। एक जो मसला आता है कि शौहर घर आया और अम्मा जान ने
अम्मा जानू ने आते ही उसको कहा तुम्हारी बीवी सारा दिन दरवाजा बंद करके पड़ी रही। सास को शर्म करनी चाहिए, निकली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उसे खाना भी नहीं बनाया। तो फिर बीवी सच में लेटी रही सास को शर्म करनी चाहिए, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ना सास को शर्म करनी चाहिए, कोई शर्म का लिबादा उड़ना चाहिए। कि मतलब एक बंदी अपना घर बार इवन अपना सरनेम तक छोड़कर एक पराए घर में आती है। हाँ। और आप उसको अपनी बेटी ना समझे, उसको इज्जत ना दे, उसे रिस्पेक्ट ना दे, फिर क्या होता है? बिल्कुल सही। तो शादी तो उसको शादी बजा तालियां। ये तालियां तो बंदूक की जोर पे बजवाएगी शादी। आप मेरा ख्याल है कि उनको देखना चाहिए कि बहू अंदर क्या कर रही थी, मतलब बिजी थी, सोई नहीं, उसको काम कर लिया। अपने पेरेंट्स के साथ बात करता है, पता बहन भाई से बात करता है। आजकल तो आपको पता है सारा कुछ इंस्टा एंड चैट सब चल रहा होता है, व्हाट्सएप तो बात कर रही है, स्नैपचैट ज्यादा चल रही होती है। मतलब कि बात हो रही है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सो गई है, काम वाम करके सो गई है, फिर शिकायत ना करे, फिर शिकायत, हाँ फिर शिकायत नहीं। भाई दुल्हन ने तो देखा ही नहीं कि हो क्या रहा है। भाई उसकी गरीब की तबीयत नहीं ठीक थी, वो लेट तक सोती रही है, अब सो के उठी है, तो रॉन्ग बनाया है, सास पागल हो चुकी है। अच्छा, देखिए आपकी अपनी बेटी अगर सो रही है आपके घर में तो आप कभी भी नहीं कहेंगे फौरन उठो उठ के काम करो। इस तरह जो दूसरों की बेटियां आपके घरों में आती हैं, आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। हाँ, अपनी माँ कभी नहीं उठाती, अपनी माँ कभी नहीं उठाती। और सबसे बड़ी बात है कि अपना टाइम भी सोचना चाहिए कि जब हम लोग बीमार थे, हम इस तरह शादी करके आए तो हमारे साथ क्या हुआ। तभी तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा जितनी अय्याशी करनी है ना हमारे घर में कर लो। मेरा कॉन्सेप्ट शायद गलत हो, बिल्कुल चेंज है कि आजकल वो दौर नहीं है कि और लड़कियां इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, एजुकेटेड हो चुकी हैं, वो दौर नहीं है कि आप ट्रे सजा के तुझे करेंगे। दोनों तरफ से होता है, दोनों पार्टियों को एक दूसरे का ख्याल करना। आप क्यों चुप खड़ी हैं? तालियां। मैं सबकी बातें बहुत गौर से सुन रही हूँ और बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इतना मॉडर्न जमाना है तो अगर कोई बीमार होता है सबसे पहले क्या होता है, फेसबुक पे स्टेटस लगता है, नीड योर प्रेयर्स, गॉट फ्लू या हैविंग फीवर, तो सबसे पहले स्टेटस लगता है, तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा। एंड सेकंडली उसके बाद फिर क्या करना है, कमरे में अपने आप को बंद करने से पहले सासू मां सासू जानू के पास जाके कहना अम्मी जानू मेडिसिन दे दे प्लीज, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, सासू ने कहना है कि ड्रामेबाजी बंद करो, हस्बैंड को साथ ही क्यूट सा प्यारा सा वॉइस नोट भेजना है। वो क्या होगा, वो कैसे होगा, बहुत तबीयत खराब है आज, ओह माय गॉड, फाउंडेशन बिल्डअप करनी है, ठीक है, अच्छा बिल्डअप करनी, उसके बाद आराम से चार घंटे नींद पूरी करनी है, ये तरीका, ठीक है, ये डिप्लोमेसी से काम लेना है, ऐसी है, चारों तरफ को सेट रखना है, थोड़ी सी एक्टिंग भी सीख लो बेटा, नताशा रेसिपी बताए हमें क्या क्या, मैं नहीं बता रही, अब देखा क्यों नहीं, देखा है मैंने तो देखा है, केले डाले हैं, फ्रूट डाला है उसके ऊपर, फिर आपने थोड़ी सी चॉकलेट प्लेट डाली है, एंड देन आपने उसके ऊपर कस्टर्ड डाला है, और फिर उसके ऊपर क्रश करके आपने डाला है, और अब आप जेली डाल, बस आपने बता दी ना। हाँ अच्छा, ये जेली अब उस तरह से है नहीं है जिस तरह से मैं चाह रही थी, तो ये एक मतलब बुरी सी शक्ल में आ रही है, अदरवाइज इसकी बड़ी प्यारी सी शक्ल बनती है। अच्छा, क्यूब्स की, क्यूब्स मेरे ठीक से बने नहीं क्योंकि ये एक डिश में बनाएगी। हाँ। तो किसने जमाई, लाल रंग का शबाब आ रहा है, किसने जमाई है ये? ये वही काम करी जो लाल रंग की लिपस्टिक करती है। गुड। हाँ, ये दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, तो जरा मैं दुल्हन से पूछना चाहूंगी। नहीं नहीं, मेकअप नहीं किया ना, उससे आगे लाइन तो मैंने बोली नहीं है, मैं लाल रंग को मुशाहबत दी है मैंने। वेरी गुड, ओह बट इट लुक्स सो यमी। यस, बन गया। इसको ठंडा होने दो, सबसे ज्यादा मैंने खाना है, और ठंडा होने का वेट भी करना पड़ेगा अभी। सो ये थी पहला मीठा जो कि नताशा ने शेयर किया है, कि नताशा इसके साथ पहली दफा किसी शो में मैंने बनाया है, फर्स्ट है, वाह तालियां। सबसे जो प्यारी और खूबसूरत बात है, बहुत अर्जेंट बनाया है, बहुत जल्दी बनाया है। इतनी जल्दी कोई मीठा बना सकता है? नहीं, मैं बना सकती हूँ। शक्लन बहुत खूबसूरत है, बाकी हम अभी सारे चख के इसके ऊपर अपना और खाने में भी मजे का होगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली मजे का होगा। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और हमारी मशवरा पार्टी जो है उसका सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि कुछ और हमारे बहुत खूबसूरत लोग यहाँ खड़े हैं जिन्होंने अपना टैलेंट जो है वो भी दिखाना है, और वो भी इसको सिखाना है। सो साथ रहिएगा।
ताशा का बनाया हुआ जबरदस्त मीठा हमारे हाथ में है, तो टेस्ट करके सबने कमेंट करना है कि कैसा लग रहा है जाना। और सच सच बताना है, बिल्कुल ये नहीं मीठा है। मैंने तो बगैर उसमें खा लिया था जब ब्रेक हुई थी, मैंने तभी टेस्ट के लिए था। बहुत मुनासिब जो है वो मीठा और बहुत मजे का बना हुआ। और आपने नोट किया होगा इसमें 3-4 किस्म के टेस्ट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं, भी आ रहे हैं, चॉकलेट का भी आ रहा है, जो चॉकलेट का आ रहा है, जो चॉकलेट का आपने एडिशन किया है, ये मेरे लिए आज एक टिप है। नहीं, मैंने भी वैसे कभी ट्राइपल बनते हुए देखा है या खाया है ना, उसमें कभी मैंने चॉकलेट का एडिशन नहीं देखा। ये एडिशन जो है ये बहुत जबरदस्त है, इट लुक्स सो यमी आल्सो। मैं लेके आती हूँ। लठे दी चादर उत्ते सलेती आओ सामने काम करना। हमने हम उसको तो मशवरे दे ही रहे हैं, लेकिन ये कुछ पैकेजेस हैं। ओह, इस सब ने पैकेज अपने लिए चूज करके लेके आना। ये किसी रेस्टोरेंट के पैकेजेस हैं या फोन कंपनी के पैकेजेस हैं? ये जिंदगी के पैकेजेस हैं। जिंदगी के पैकेजेस क्या करने हैं? जाओ जाके उधर पढ़ोगे ना आप लोग के क्या लिखा हुआ है इसमें से, जो आपको अच्छा लगता है वो। क्या ये हमारे लिए? हाँ, हमने चूज अपने लिए। अच्छा, जो आप लोगों को लगता है कि हमें इस तरह का चाहिए है कोई, तो आपने अपने लिए चूज करना है और ले आना है। मेरे मुताबिक कोई भी नहीं।
अच्छा चुन के लिखा हुआ है, चुन के लिखा हुआ है माशाल्लाह, तो कोई बंदा चूज ना कर सके। नहीं नहीं कोई एक चूज कर ले, एक एनीवन, हां कोई एक पैकेज चूज कर ले। मेरी बात सुने, ये 60,000 से सैलरी ऊपर नहीं जा सकती, 60,000 से सैलरी ऊपर नहीं जा सकती। भाई बात सुनो एक मिनट, ये तो हम इसमें से कोई ना कोई चूज कर ले। 60,000 रुपए का तो मैं दूसरा खरीद लूंगी, नहीं उसके लिए उसके लिए चूज कर ले। अरे मार पड़ेगी जो घर जाके उसका, इसके लिए चूज करना है, इसके लिए चूज करना है, इसके लिए चूज कर रहे हैं ना। ये पैकेज चूज कर ले, हम लेके थोड़ी जा रहे हैं घर ना, ये जो पैकेजेस हैं लग रहे इसमें से इसके लिए बच्चे के लिए यूज करती हूं। अपने लिए अपनी प्रेफरेंस, बच्चे को भी मेरा भी चूज हो गया। कोई बात नहीं, चलो फिर आप समझो कि अगर आपने किसी के लिए चूज करना हो तो फिर क्या। अच्छा अच्छा, ये तो बिल्कुल भी ना हो, पांच बहनों का इकलौता भाई, इतने नंदे दिल ठीक है लेकिन पैसा है, आवारा है लेकिन अपना घर है, दौलतमंद है, लेटेस्ट मॉडल की कार है, तहाई है, जल्दी 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 है ना। अच्छा चलो जी, मैंने चूज कर लिया शादी के मशवरे पे। यस, अपने लिए भी थोड़ा सा करे ना। अच्छा अपने, ये तो मैंने जाना के लिए, जाना को दे, जाना को दे। अच्छा चले ले, आ जाए यहाँ पे बेस्ट है ये, आ जाए सब लोग, आ जाए सब अपने पकड़ा सा लिया। पांच बहनों का चौथा भाई, उसका क्या करना है, बंदूक की नोक पे तालियां बजाई आज मैंने। रिजय हाँ तो सा बड़ा कोई मुश्किल सा काम लग रहा है, भूलेगा बजाओ तालियां। माइट एज वेल या भाई, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि मुझे 60,000 सैलरी भी नहीं चाहिए, पांच बहनों का भाई भी नहीं चाहिए, और मुझे आवारा भी नहीं चाहिए, चाहे अरबपति हो। बात सुनो, मुझे तो मिला था, मैंने क्यों पकड़ा हुआ ये वाला भी है ना, ये है पांच बहनों का इकलौता भाई। अच्छा फिर कोई एक पिक कर लो यार, घर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, इतना टाइम लग रहा है, नो बट साइड कर दे, इट्स जस्ट अ गेम, कौन सा असली जिंदगी की बात चल रही है। एक चीज सीरियस हो जाते हैं, बहुत तुमको नहीं चूज कर रहा हूं, तुम चूज करो। अच्छा हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसे आ रहा क्या पिक किया, ये जाना हो नहीं, हां चूज करो। अच्छा मेरा तो सुन ले, सबसे पहले सब कर रहे हैं ना, हम ही करेंगे। दिल फेंक है लेकिन पैसा है, आवारा है लेकिन अपना घर है, दौलतमंद है, लेटेस्ट मॉडल की कार है, इंतहाई हैंडसम, और ये भी आपने भी यही पिक किया, जो किसी ने चूज किया आपने, ये आपने जो पिक किया वो है शक्लो सूरत अच्छी नहीं है, दिल का अच्छा है, ज्वाइंट फैमिली में रहता है, 60,000 सैलरी है, नेक और शरीफ है। इसमें इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, पांच बहनों का इकलौता भाई, वो उस पे मुझे एतराज है, लेकिन अगर बहनें बहुत प्यार करने वाली होंगी तो ठीक है चलेगा, दरमियानी शक्लो सूरत भी चलेगी, दिल का अच्छा होना चाहिए, नेक शरीफ होना चाहिए, आला तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है, आने वाले दिनों में करियर बहुत अच्छा होगा, और वो वैसे भी लड़की की किस्मत होती है, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद, मेरे कदम पड़ने के बाद उसका करियर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आपको काम करने की इजाजत नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, काम मैं करूंगी। अच्छा मुनासिब लाइफस्टाइल है, हाँ ठीक है उसका है, मुनासिब लाइफस्टाइल तो आपका भी वही होगा। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी उसको अपने हिसाब का। और इसमें लिखा है कि लड़का दिल फेंक है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, पैसा नहीं है, आवारा है लेकिन उसका अपना घर भी है, दौलतमंद है, लेटेस्ट मॉडल की कार भी चलाता है, और इंतहाई हैंडसम है। बस नहीं नहीं माय डार्लिंग, ने बहुत अच्छा चूज किया, जाने को ऐसे ऐसे चाहिए, इट्स फाइन। आपको लगता है कि ऐसे ऐसे बंदे को पिक कर लेना चाहिए? हां तो अच्छा, बाकी नहीं ना बताया, बाकी क्यों डिटेल से नहीं, बाकी उसमें लिखा है, बाकी इसमें अंडरस्टूड है, अवार कर दी, अवार की बर्दाश्त कर लेंगी। नहीं इसमें लिखा है ना दिल फेंक है, तो उसका तो बहुत सिंपल से बहुत सारे तरीके हैं जो हम हैंडल कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ा मसला है नहीं, ना जाए दिल फेंक इंसान कहीं सीधा किसी के कहने पे, हो ही ना जाए, आज तक दुनिया का कोई दिल पे एक इंसान सीधा नहीं हुआ। हाँ, मट्टी का तेल डाल के जलाना ही पड़ेगा, सीधा होगा। आपने क्या पसंद किया? मैंने दोनों कर लिए, जब एक बंदे के साथ सब कुछ है अब दोनों ही करेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा, जो बना चाहिए मैंने कहा वही कर लूं। दोनों में क्या क्या लिखा हुआ है?
मेरे लिए दो है, शक्लो सूरत अच्छी नहीं पर बाद चल जाएगा ठीक है, दिल का अच्छा, दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, दिल के काले लोग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहता है नो प्रॉब्लम, पैसा है बस 60,000 सैलरी है कोई नहीं, 2,60,00,000 मैं खुद ही कर लूंगी। नेक और शरीफ, अरे वाह, ये है और दूसरा है वो भाई जाना वाला, हां दिल फेंक आवारा, दिल फेंक है उसकी ऐसी की तैसी, एक साथ ही वो हम सेट कर लेंगे, लेकिन पैसा है वाह बहुत जरूरी है, हमारा है हंटर की तरह है मेरा, लेकिन अपना घर है वेरी गुड, दौलतमंद है ओके, किस्मत लेटेस्ट मॉडल की कार है वो तो होनी भी चाहिए, और इंतहाई हैंडसम है माय गॉड। अच्छा अब इन दोनों से कोई एक पिक करना तो फिर क्या होगा, ये मेरे लिए दोनों सूटेबल हैं जो मुझे मर्जी दे दे, मेरे दोनों सूटेबल हैं, दोनों चलेंगे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों बड़े बड़े जो, हां एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम। अच्छा किसकी चॉइस सबसे अच्छी लगी है आपको, आपने सबके पैकेजेस अपने दिखा दे सब, मैंने तो वापस लगा दिए, मैंने तो देखे बड़ा मजा आया, पैकेजेस पता नहीं बस मैंने तो लगा ही दिया ना, तो सुना है ना तुम लोगों ने, चलो बताओ अब किसके, पांच जनों का इकलौता भाई अच्छा प्रोस्पेक्ट्स करिए, सच सच बताना खबरदार किसी लड़की ने यहां झूठ बोला, किसके लिए तालियां है भाई, क्या नताशा के लिए, नताशा के लिए देखो सच बोला है ना मैंने, अपने दिल की सच्ची बातें की है ना मैंने, हां अच्छा चलो अब अपनी छोड़ते हैं वापस, अच्छा एक और चीज, जाना ने तो हमें कोई मशवरा अभी तक दिया नहीं, तो अब जाना के मशवरा देने की बारी है, आपके ख्याल में नताशा ने बताया कि पहला मीठा कैसे बनाना है, दिल तक उतरना है तो कुछ आना चाहिए, उन्होंने मेकअप बताया कि सजना संवरना है, आप क्या बताओगी, मैं थोड़ा सा सलीका और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्या घर में मेहमान आए या आपके ससुराल वाले आए आपके घर होता है ना विजिट करने के लिए खाने पर, तो उसमें क्या किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए, किस तरह से पेश करनी चाहिए, चलो ठीक है so उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जाना के मशवरे सुनेंगे। जनाब आज हमने सजाई है मशवरा पार्टी, इसलिए कि एक सहेली की शादी हो रही है 2 महीने बाद और बाकी सारी सहेलियां इकट्ठी हुई हुई हैं और उसको बता रही हैं कि देखो ये करना है और देखो ये नहीं करना, और अब जो बारी है वो है जाना की, हाँ, लेकिन हम सब बाज नहीं आएंगे, हम सब नताशा रिजा मदिया शाह और यहाँ पर हमारे पास शाजमा और साथ सहर भी, ये सब लोग हम मिलके मशवरा पार्टी में शामिल रहेंगे, लेकिन चलो शुरू करो यार, मशवरा मेरा सिंपल सा है कि जब आप अच्छा खाना बना लें जो कि बाकी अच्छा हो, तो अच्छे खाने को फिर परोसना जो होता है वो जरा स्टाइल से परोसना चाहिए, जरा सलीके से, आपकी सास सुबह भी खुश हो जाती है कि अच्छा लड़की तो बहुत सलीके वाली है, सो प्लेस मैट्स टेबल मैट्स का बहुत मेरे हिसाब से बहुत बैठो बैठो बड़ा रोल होता है एक प्रेजेंटेशन में, ये तो मेरे पास दो है, लेकिन आप प्यारे से खूबसूरत से खरीद नहीं सकते, अभी पहले क्या कर रही हो, पहले घर पहले मेहमान आ रहे हो तो बता रही हैं, हाँ नहीं मेरे ख्याल से जरा एक कैंडल लाइट डिनर टाइप अगर ये अरेंज कर रही है, दो कुर्सियां है ना, तुम उठो ना फिर, अरे मेहमानों को दो, तुमने तो काम करना है अब, चलो मेहमान आ गई, और तो मेहमान आ गई हमारी, और ये कौन सा मेहमान है, कैंडल लाइट ऐसी होती है, ओ दो लोग मैं लड़के वालों की बड़ी, वो खैर है वहां बैठे तो ही ना, अज्यूम करें कि यहाँ पे कोई बैठा है ठीक है, नहीं नहीं आप में से आज है ना कुल, अच्छा कैंडल लाइट डिनर वो अरेंज कर रही हैं, ओह गॉड ओह माय गॉड, इसमें कैंडल्स नहीं है, मिस द कैंडल कैंडल लाइट, कोई बात नहीं भी होता है, हम लंच कर लेते हैं, इमेजिन करें कि एक कैंडल खूबसूरत से बीच में जल रही है, माइंड कर लें, अच्छा सो ये पोर्ट्रेट लाइट होती है, बड़ी सुगढ़ है बहुत सुगढ़ है, प्यारी सी एक यहाँ पे शोला जल रहा है हमने, और हमने अच्छा बड़े प्यारे से नैपकिन्स भी मिलते हैं, खूबसूरत सा रोल करके खूबसूरत से वो रिबन्स वगैरह लगा के बहुत जरा स्टाइलिश, और ना टेबल के ऊपर थोड़ी फूलों की पत्तियां ऐसे बिखेर के जरा खूबसूरत सा माहौल बना के, सॉफ्ट म्यूजिक डिम सी लाइटिंग, यू नो आई गेट माय पॉइंट, अरे क्वार्टर प्लेट सीधे हाथ रखनी है उल्टे हाथ रखनी है, क्वार्टर प्लेट हम लेफ्ट पे रखते हैं और जो ड्रिंक होती है वो हमारी राइट कॉर्नर पे होती है, ओके ठीक है ठीक है, ताकि आसानी रहे खाने में, और हमारी बड़ी प्लेट बड़ी प्लेट क्या
बड़ी प्लेट हमने लेनी ठीक है ठीक है और मेरा लेफ्ट राइट है मेरा लेफ्ट राइट नहीं यार एक्चुअली यहाँ वहाँ कुछ और हो रहा है यहाँ कुछ और हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है वो हमें भी यार असल में हम लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते हैं और इतने और बचपन से जानते हैं और बचपन से जानते हैं कि मतलब हम ऐसे कहके मतलब एक दूसरे के सामने आए ना और कुछ भी ना और एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि बात ये क्या कहना चाह रही है लेकिन हंसी आ जाती है हमें गुड इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छा अभी देखो तो डिनर लग गया सिखा रही ना बीस कितना फोकस हुआ हां हां ये डिनर लग गया भाई अब ये हमने कर लिया बट मैं खाने पे हूं उसमें राइस का वो बना के साथ में स्टाइल से जरा उसको ग्रेवी को यूं रख के आई वुड पर्सनली डू दैट लेकिन चलो अब चलो अब ये है तो ये को थोड़ा सा डेकोरेट करना है ठीक है या फ्रूट काट के लगाना है या फिर कुछ प्यारा सा कोई धनिया अम्ब्रेला भी रखनी है छोटी सी क्यूट सी छोटी सी अम्ब्रेला अब माहौल अच्छा लगता है खाने का तरीका भी बताओ चलो लड़की पकड़ो अपना ना वो ना बैठो छोला चला दो नहीं नहीं छोला पहले ही है जल जाता है अच्छा चलो ये इधर इधर अब लेके अब वो बैठेंगे और फिर आप बैठोगी वो बैठेंगे और फिर वो कहेंगे कि तुम ही डाल दो अक्सर ये होता है कि तुम डाल दो मुझे ये डाल दो अच्छा क्या डाल के देना चाहिए खातून को या खुद ही डाले अपना यार मुझे तो बड़ा अजीब लगे कि मुझे कोई कहे मुझे क्या पता तुम्हें कितनी भूख लगी है खाना भी है नहीं खाना खुद ही आप डालें चावल खुद ही डालें आप आप उसके सामने इस तरह से प्लेट को कर दे हाँ खाना निकालने का भी बोल सकते हैं आप कहें उन्हें कि खाना लवली गर्ल इस तरह से नहीं should we candlelight dinner mein presentation hai uski baba candlelight dinner mein should we try to serve the other person ya wo apna khana khud dalega yaar ideally to hai ki wo apna khana khud dale aur agar aapke miyan kuch is tarah ke hain jo kehte hain ki tum dalo to pehle se jaise maine bataya na ek ek plate saja ke thoda sa salad thodi si gravy pehle dal ke wo pehle se hi saja ke rakhe ho theek hai to fir wo impact bada different sa banega done 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 fir ye awkwardness nahi hoti hai ki acha wo tareefe kar rahe hain aapki aur aap keh rahe hain na aur dal lena please fir wo ajeeb lagta hai fir aapne thoda sa jee bowl offer kiya please thank you maine apne haathon se phone utha ke dial karke mangwaya hai खाना तो सिंपल है आपका मतलब खिलाएंगे भी वो खातून एक्सेलेंट है जा व्हाट अ लवली प्लीज मैं डिनर कर रहा हूँ अगर आपके मियाँ को इस तरह का कोई अटैक हो जाए तो फिर मामला खराब है काफी हो भी सकता है बट काफी खराब है ठीक है तो आपने खाना कैसे खाना भी आप प्यार से ऐसे ही निवाला से बनाए ना मतलब खाना मतलब निवाला भी उसके मुंह में खुद डाल दिया जीजा खुद कैसे खाए एक बात बताओ वो लंगड़ा है लूला है पैरालाइज है क्या है हैंडीकैप है वो खुद नहीं खा सकता नहीं बनता है पता है खाना जैसा कैसे भी आपने बनाया नमक ज्यादा कम इतने प्यार से मोहब्बत से खिलाएंगी ना वो उनके दिल से तारीफ अच्छा वैसे मैं पता क्या करती हूँ मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना जब उस ड्यूरिंग खाना बनाते हुए जब मुझे लगता है कि मुझे खुद टेस्ट करके नमक मिर्च चेक करनी चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक चम्मच में खाना लेके वो इरफान को चेक कराती हूँ कि नमक मिर्च कैसे चेक कराती हूँ कैसे हाँ कैसे ऐसे जैसे आपने करना है आपने करना पड़ेगा अच्छा देखो समझिए मैं किचन में हूँ हाँ इरफान
किसका भाई बना? भाई बना मेरा तो वैसे ही भाई है, वो बंदी बड़े मजे से प्लीज चेक किए ना, प्लीज चेक मेरी लड़ाई में भी बोल देते नहीं और खाना बना रही हूं, चख भी लो बता भी दो। देखो मारी एक मिनट के मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है? अब मैंने खाने को दम पे रखना है, मसाले वगैरह सब लग दम होता है ना, ठीक है? जैसे नाक में दम होता है वैसे ही खाने का दम होता है। मैं इसको ऐसे करके इरफान प्लीज जरा ये चेक करना। ओके बेबी, बेबी आई लव यू। वो ऐसे ही झूठ बोलता है, वो ऐसे ही झूठ बोलता है। अच्छा वाह वेरी गुड। अच्छा मैं वैसे जो बात कर रही थी वो कर रही थी खुद खाने की, खिलाने की नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि जब आप बैठे हो इतने रोमांटिक डिनर पे तो क्या आपने वाकई खाना खाना है कि सिर्फ नखरे करने हैं? नहीं खाना खाना चाहिए नॉर्मली। कैसे खाएंगे? नखरे भी करने चाहिए। कैसे खाएंगे? शादी पहले शादी में खाते हैं कि सामने कोई कैंडल लाइट डिनर पे बैठा हुआ है, आप उसके साथ लंच या डिनर में आंखें डाल के ऐसे ये हमें पीछे से ले ना। आप तो कुछ खाएंगे? आप तो लेते ही कुछ देखिए ना, मेरा भाई चाप से बड़ा है। मध्य जी थोड़ा सा शर्मा नीचे से चमचों की कांटों की सप्लाई बहाल करना। हाँ ना कैंडल लाइट डिनर हो रहा है तो रिजा की टिप क्या है कि हाँ। कैसे बैठ के वो वहाँ पे खाना खाना चाहिए। आइए मेरे जैसा बहुत ट्रेंड हुई। मैं जब चाइनीज किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, कसम खुदा की मेरा बस चले तो मैं तो उधर भी हाथ से ही खाऊंगी। एक कांटा भी नताशा एक्चुअली मुझे जानती है तो हाँ बता हमारा प्रॉब्लम क्या है। लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, और हम दोनों का ये मसला है कि मतलब कहीं पे भी मैं जाऊँ मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग है, मतलब कराची में किसी रेस्टोरेंट में हम लोग बड़े अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है वहाँ पे हम जाते हैं, तो मैं क्योंकि पूरे दिन की थकी थी ऑफकोर्स बाकी सब भी थके ही होते हैं, शूट से ही हम लोग जा रहे होते हैं, तो मैं जाते ही ना चौंकड़ी मार के बैठ जाती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं नताशा तुम सेलिब्रिटी हो, लोग क्या कहेंगे कि ऐसी पेंट? मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, लोग मुझे पेंडू समझे या ना समझे लेकिन मैं ऐसे कंफर्टेबल। आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आप कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, इट्स अ वेरी रोमांटिक डिनर। अच्छा ओके सही। हाँ ये फ्रेंड्स नहीं है ना जो म्यूजिक भी बजा रहा हूँ, प्लीज म्यूजिक बजा। बातें चल रही है तुम्हारे सामने इरफान भाई बैठे हुए हैं जिनकी शक्ल देख देख आ रही है, तो तुम लोग पाए खा रही है एक्टिंग कर आ रही है एक्टिंग कर गाना थोड़ा ना मैंने टाइम लेके एक्टिंग करूंगी। हाँ 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 चलो और सुनाइए देखो देखो क्या कर रही हैं आप। नताशा को किसी ने इनवाइट किया है कैंडल लाइट डिनर पे फिर क्या होगा? देखिए ये इसमें रखते हैं, हम इस प्लेट में रखते हैं। पहली बात तो ये चले नताशा चले पहली बात तो ये आई विल बी जस्ट लाइक अ बॉय और मेरे अंदर कोई नखरेबाजियां और वो एक्शन होते हैं ना जो लड़कियां मारती हैं इससे करती है ये करती है अपनी आवाज ही बदल लेती है। मजे की बात ये है कि मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती हूँ, हम लोग ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, फोन आते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स के ना, तो वो बात मेरे सामने जब करती तो वो यूं बात करती है, हाँ नताशा क्या हाल है कैसी हो ठीक हो? अब वो लड़के से बात कर रही है, हेलो कैसे हैं आप ठीक है? म्यूजिक तो बंद करो यार पीछे से, तुम लोगों ने अपना यहाँ पे रेस्टोरेंट बना लिया है। कैसे हैं आप ठीक है? हाँ बस मैं भी ठीक हूँ। नहीं 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 बेबी मैंने खाना खा लिया है। ये एक्शन आज तक नहीं हुआ।
ये एक्शन आज तक नहीं हुए, वो इंसान जो मेरी जिंदगी में आने वाला है और जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो मेरे सामने बैठा हो तो मैं बिल्कुल उसके सामने कोई एक्शन नहीं मारूंगी, मैं जैसी हूँ चलो हम वैसी ही रहूंगी और कोई प्रिटेंड वाली स्टोरी नहीं होगी, मैं बस आराम से कांटा उठाऊंगी और नताशा हाँ ये जरूर करूंगी कि चौकड़ी मार के नहीं बैठूंगी। अच्छा सवाल जवाब भी चल रहे हैं, बातें भी चल रही है साथ में, और क्या चल रहा है आजकल? यार बस काम वाम चल रहा है, बिजी होती हूँ ना, छूट वूट चल रही है और क्या होना है। तो शादी के बाद, शादी के बाद क्या करोगी? शादी के बाद तो घर बैठना पड़ेगा, मेरी अम्मा नहीं मान रही है। हाँ हाँ आई नो, कम कर दूंगी ना काम, तुम्हें भी टाइम दूंगी, घर को भी टाइम दूंगी, काम को भी टाइम दूंगी सब। मूड तो अच्छा रखो यार, क्या हुआ तुम्हारे मूड को, मैं इतने अच्छे डिनर पे तुम्हें लाया हूँ। जानू मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही यानी के निताशा ने अपना जेंडर चेंज कर लिया। मैं अपने अच्छा। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ लड़का ही होती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई एक्शन मारने की कभी कोशिश करूँ। कोशिश करूँ। ओके जाना दी जाना द गुरु आया आओ ना चास में रह गई है चास में आओ ना पहले 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 आप आओ क्या करेगा आओ बैठो मैं बैठू चास में नहीं करी है चाय के मैंने तो बताया नहीं कि चाय कैसे पी जाएगी। चाय तो खाने के बाद पी जाएगी ना, तो खाने के बाद पहले रोटी तो खाएं। मैं बोला एक्चुअली तो ग्रीन टी होनी चाहिए खाने के बाद, बट व्हाट कैन वी डू, हम हमें चाय दिया गया सो हम चाय ही पेश करेगा एंड में, ठीक है प्रिटेंड इट्स नॉट देयर। तो पहले तो खाना तो लो, ठंडा हो रहा है, सांप को देख के मेरी भूख ही मर। फिर उसने बहुत ज्यादा जब इंसिस्ट किया ना तो अच्छा चले आप तो मेरा ख्याल है कुछ खा के आई हो। नहीं आपके बगैर कैसे खा सकती हूँ मैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो खा नहीं रही हो ना, आप पहले शुरू कीजिए ना, मतलब इतना झूठ बोलना पड़ता है। हाँ नहीं मैं तो खा रहा हूँ, तुमने डाला ही कुछ नहीं है यार। अच्छा आप अपने हाथ से खिलाएंगे। इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खाना बना के टेबल सेट करके मोमबत्तियां जला के बैठे हैं तो फिर अब क्या रोटी खानी है? नहीं यार थोड़ा स्टाइल के साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सारा दिन का बहुत थका हुआ हूँ यार, अभी प्लीज टाइम नहीं है, खाना खा लो जल्दी से, फिर सोना है मैंने। हाँ देर हो रही है, मैं सुबह मीटिंग में भी जाना है। ठूसने की करो फिर बस प्यार से सिंपल सा, आमतौर पे जितना बड़ा निवाला होता है उससे हाफ। हाँ फिर भी प्यार रहेगा, प्यार फिर भी रहेगा। उसने कह दिया, उसने कहा जल्दी करो ना। हाँ तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स ओके, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बल्कि पूछ सकते हैं आपको समय दर्द हो रही है, मैं आपको दवाई ला दूं, आप ये पूछ सकते हो। बट दवाई नहीं तो नीला थोसा तो ला के दे ही सकती हूँ यार। लेकिन 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 एक जरूरी बात यह है कि जो आम तौर पे हमारी रोटी का नवाला होता है ना उससे हाफ। हाँ नहीं नहीं शादी, जब शादी को पांच चार पांच साल हो जाए फिर तो खाओ जैसे मर्जी खाना है, लेकिन शुरू में आपने बस थोड़ा सा छोटा सा निवाला। अच्छा तो भूख लगी रहेगी उसके बाद, उसके लिए क्या करेंगे? तो रात के 12 बजे फ्रिज में जाकर, मैं भी बिल्कुल इस टाइप की नहीं हूँ, क्योंकि देखिए आप शुरू में ये सब कर लेंगी लेकिन आप सारी जिंदगी तो ये नहीं कर सकते ना, तो आप वही रहें जो आप हैं, आप नेचुरल ही रहें अपने उस बंदे के साथ जिसके साथ आपने शादी करनी है, क्योंकि वो आप अपने ये एक्शन जो है, जो लड़कियां बिला वजह के एक्शन मारती हैं, जानू खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लगी तुम्हारे बगैर, अबे अगले एक साल में ना तुम उससे पहले ही ठूस के बैठी हुई होगी, वो बेचारा बाद में आ रहा होगा। तो एक्शन नहीं, नेचुरल रहोगे तो ज्यादा अच्छी है। शुरू शुरू में इस तरह की नखरे करना अच्छा लगता है, तो इसके लिए भी मेरा यही मशवरा है, इसके लिए सपोर्ट है जी आपकी, जाना के लिए या हमारे लिए? नहीं तालियां बजा के बताओ किसके लिए, हमारे लिए या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नताशा, ये सब पार्टी माशाल्लाह नताशा आशा और हमारी रिजा, इनके नेचुरल रहना चाहिए। नहीं नेचुरल जो डे फर्स्ट होगा फिर वही लास्ट दुनिया का। अच्छा तुम्हें कुछ समझ आ रही है? बिल्कुल। क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ जितने मर्जी मशवरे दे दो, करनी उन्हें अपनी है। अच्छा बताओ ना चाय कैसी पीनी चाहिए? एक चाय का कप ये पड़ा आपके सामने, चाय कैसे पियोगी जाना?
यार अगर इसमें चीनी नहीं है, हाँ नहीं है, तो फिर तो अरे चाय पीने में क्या है, इट्स वेरी सिंपल. अगर जो सेपरेट चाय है तो वो तो बना के और बहुत ज्यादा चीनी है इसमें, अल्लाह माफ करे. मतलब मुफ्त बट रही है चीनी, इतनी चीनी चाय कौन में चाय बात डालता है. कोई बात नहीं, जब आप अच्छे प्यार में बैठे होते हैं ना, आपको चीनी का पता चलता है, नमक का पता चलता है. अब ये भी कह सकते कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया तो अब चाय आप बनाएंगे. अच्छा ये कहना चाहिए. हाँ ना लो. अच्छा क्या खाने में जब आप खाना वाना बना रही हो साथ बुलाना चाहिए नताशा कि आप भी यही. नहीं मुझे, मैं इस बात के खिलाफ हूँ, मर्द किचन में अच्छा नहीं लगता. जहर लगता है किचन में. हाँ वैसे आगे खड़ा हो जाए मुझसे बातें बातें करने के लिए, वो करनी होती है, हेल्पिंग एक दूसरे की करें, वो अच्छा लगता है, वो सब कुछ अच्छा लगता है. मगर यहाँ पर जो हम यहाँ पे रहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसे मर्द किचन में अच्छा नहीं लगता. नहीं अच्छा लगता किचन. ठीक है, ये सब लोगों का इस पे इत्तेफाक है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? डिस्प्यूट. आप अपने हस्बैंड को बुलाओगे किचन में, क्या आइए मेरे साथ हेल्प आउट करें? नहीं, अगर कोई गुड गर्ल चले हेल्प करते हैं लाने में, जितनी खाना बनाने में, जितनी पट्टियाँ माशाल्लाह आप उसे पढ़ा रही हैं, वो जाकर तो मुझे लगता है कामयाब होगी. मैंने तो कामयाब वाली बताई है कि नहीं, हमने तो अच्छी वाली बताई. अच्छी वाली बताई सारी. चलो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी अच्छी टिप्स हैं जो रिजा ने शेयर करनी है. खुशामदीद, हमारी एक सहेली की हो रही है शादी 2 महीने में, और हमने आज मशवरा पार्टी यहाँ पे रखी है, और उसमें हम उसको दे रहे हैं मशवरे की क्या क्या करना है. सो हमारे साथ और अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं रेजा, नताशा, हमारे साथ जाना, हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सी शाजमा, और सहर हमें प्यारी प्यारी से गाने सुना रही है और मशवरे भी दे रहे हैं साथ साथ. अच्छा अब मुझे बताएं, इसको भी समझ आ रहा होगी. हाँ वो भी मशवरा ले रही है साथ साथ. जाहिर है आने वाली बच्चियों को पता होना चाहिए कि कैसे घर बसाते हैं. अच्छा एक सवाल है, अगर आपको पता चले कोई आपके कान में उड़ती उड़ती बात पहुंची है शौहर की, अच्छा क्या करना चाहिए, क्या बताएं इसको क्या करना चाहिए? मैं ये कहती हूँ जब तक आप आंखों से नहीं ना देखें एतबार मत करें किसी का भी. किसी का भी ठीक है. हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. और पता ही क्या है, मुझे ये लगता है कि हालांकि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग कभी भी जिंदगी में किसी को देख के खुश नहीं होते. ठीक है, तो हर बंदा कोशिश करता है कि इनका घर तोड़े या इनकी ये आपस में खुश क्यों हुए. तो लोग अगर मेरा हस्बैंड होगा वो अगर किसी लड़की से, बिकॉज दोस्त अगर मेरे लड़के दोस्त हो सकते हैं तो उसकी लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं. ठीक है, तो कोई देखेगा कि वो लड़की से बात करे तो ऑफ कोर्स मुझे फोन करके मुझे लगाने की कोशिश की जाएगी, फलां लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था. तो मैं इस बात पे लड़ूंगी नहीं, मैं उसको पहले आराम से कॉल करूंगी कि आप किसके साथ हैं, वो मुझे बताए. अगर तो दिल में चोर होगा तो ऑफ कोर्स नहीं बताएगा, और अगर बता देगा तो फिर तो सही है. लेकिन मैं आपको बताऊं कोई खुश नहीं होता. हाँ, बहुत से अपनी फैमिली में भी लोग जेलस हो जाते हैं, कोई खुश नहीं होता. आपसे जेलस हो जाते हैं, आप किसी को देखकर बजाय खुश होने के, मेरा नहीं ख्याल आजकल लोग खुश होते हैं. और गलतफहमियां एक दूसरे को एतमाद और एतबार रखना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, तभी जिंदगी आगे चलती है. तो मेरे ख्याल में कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए इंसान को. ठीक है, और अपनी आंखों से देखें. हाँ आंखों से देखें. ठीक है, इधर जाना है. कभी कभी मेरा ख्याल है फरा आंखों से देखा हुआ भी मेरा ख्याल है वो चीज नहीं होती जो आप देख के समझ आ जाती है. देखो यार मैं कराची से आई हूँ लाहौर काम करने के लिए आई हूँ. मेरे मियाँ को पता है ये लड़कों के साथ काम कर रही है, या मेरे लड़के दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं लड़के एसएन मतलब अपने सुहेल समीर लड़कों के साथ काम है. अंडरस्टैंडिंग की बात है. ठीक है ना, मेरे मियाँ ने कभी मुझे नहीं बोला, और उसके जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो उसके दोस्त. ऐसे ही होना चाहिए. यानी हमने ये बात तय की अच्छा, लेकिन अगर फर्ज किया ये तो सच है, आपने आंखों से भी देख लिया, आपको पता भी लग गया है, तो फिर इसको क्या मशवरा फिर क्या करना है, क्या उसे समझौता करना है उसके लिए? नहीं नहीं, खामोशी खामोशी नहीं, खामोशी बिल्कुल भी नहीं. खामोशी वाली इसमें बात नहीं है. देखिए अगर कुछ होगा वो क्या कहते हैं धुआं तभी उठता है जब कुछ आग होती है, तो वो ऑफ कोर्स वो इसको भी नजर आ जाएगा, वो उसमें कोई बात छुपी भी नहीं रहेगी, उसमें झूठ भी फौरन पकड़ा जाएगा. तो मेरे ख्याल में
खामोशी से बेहतर है कि आराम से बिठा के उस बात को, उस मसले को पहले सोचा समझा जाए, उस पर डिस्कशन की जाए और फिर उसका हल निकाला जाए। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है, कोई बात आप ऐसी पकड़ते हैं, आप बिठा के पूछें ऐसा क्या मसला है, क्या बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। सपोज आपने पकड़ा है, मैंने अल्लाह पकड़वा ही ना दे, देखने से ही अंदाजा हो जाता है। मैं अगर देखूं कि मेरा जो भी कोई हस्बैंड होगा वो किसी लड़की को देख रहा है और किस नजर से देख रहा है और वो लड़की उसको किस नजर से देख रही है, तो मैं यूं एक सेकंड में समझ जाऊंगी और उसके बाद मैं उस लड़की को तो कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक, लेकिन अपने हस्बैंड की गाड़ी को जरूर तोड़ दूंगी। हम किसी के साथ शादी की बात नहीं मैं कर रही, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उसको पता चल जाता है, लड़की को या लड़के को, कि इस कुछ आपस में गड़बड़ा, तो बीवी तो बड़ी दूर की बात है, बीवी तो हर रात आपके साथ होती है, हर दिन आपके साथ होती है, बीवी को तो फौरन पता चलता है, वो खामोश रह के लगता था। ज्यादा आपको सबसे पहले तो मुझे ये है कि सबसे पहले तो आपके जो भी करीबी दोस्त है या जो भी कजिन वगैरह है जिसने आप तक ये मैसेज पहुंचाया कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने देखा था फ्लावर के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था बहुत, सबसे पहले वो इतना कंफर्टेबली आपको क्यों बता सकता है ये बात, यू नो कि आप स्वे हो जाओगे, आप उसकी बातों में आ जाओगे, ऐसा उसको क्यों लगता है कि आप उसकी बात मान लोगे? और फिर मेरे हिसाब से आप उस शख्स को जिसने आपको ये मैसेज पहुंचाया उसको तो कहो कि हाँ मुझे मालूम है कि वो वहां पर है, मैं जानती हूँ किसके साथ बैठे, उसको चुप कराने के लिए, ठीक है? और उसके बाद फिर आप अपने हस्बैंड से, अगर आपको बहुत ज्यादा मसला है, अगर आपको बहुत फील हो रहा है, तो पहले आपने अपना रिलेशनशिप जो है वो लोगों के सामने तो रखा नॉर्मल, ठीक है, और अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई शक करने की वजह हो सकती है या हो सकता है कि वो कोई लड़की है जो बहुत अरसे से पीछे पड़ी हुई आपके हस्बैंड के और आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है, फिर प्यार से टाइम दे के, मौका दे के, आराम से बात करके। अच्छा डन, अच्छा एक और सीन होने वाला है बहुत जल्दी, चलो जैसे ही शादी होगी, हाँ ना, तो ये तो बड़ा नेचुरल कॉमन है, जैसे ही शादी होगी तो सास ने कहना है तो कब आ रहा है मेहमान, करना हो काम, ये तो है। आप मुझे बताएं कि हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। और पता क्या होता है कि अगर शादी के 2-3 सालों में बेबी नहीं हो रहा है तो वो कपल बेचारा पूरे खानदान के हाथों पिट जाता है, क्यों नहीं हो रहा, बच्चा कब होगा, क्या प्लान, मिलने वाले भी, कब आ रही है, हाँ कब आ रही है, खाना कब बना रही हूँ, वो मियाँ भी बेचारे 2 साल के बाद तो अंडरग्राउंड ही हो जाते हैं ना, कि लोगों को मिलो ही ना, अंडरग्राउंड से नहीं हुए और वो मियाँ भी खुश रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलहदगी कर ली ऐसे लोगों से, वो खुश है, वो बच्चा हो रहा है नहीं, उन्होंने टेंशन ही नहीं है, ठीक है, उन लोगों को टेंशन है। बात तो याद आ गई, नेशनल टीवी पे मैं बात बोल रही हूं, मुझे बताओ ना कि इसको क्या मशवरा दे रहे हो कि ये कैसे डील करेगी सिचुएशन को, इसको हिम्मत से, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, हो जाएगा, और अपने अल्लाह की तरफ देर नहीं है, आप दोनों की जो आपस में बात, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, ये अल्लाह पे छोड़ देना, ये अल्लाह की, ठीक है, जिस रूह ने दुनिया में आना है उसने आना ही आना, बिल्कुल। ऑडियंस में से भी कोई सवाल आप हमारी मशवरा पार्टी टीम से लेना चाह रहे हैं तो बताएं, कि जो कुछ सवाल रह गए। मुझे शाह साहब से सवाल करना है कि शादी से पहले लड़के को बड़ी जो है ना मॉडर्न लड़की पसंद होती है, वो जीन्स पहन ले, शर्ट पहन ले, उसे इतराज नहीं होता, लड़कों को पसंद होती है, लेकिन शादी के बाद वही लड़का उसको कहता है कि जी बाया करो, दुपट्टा लो सर पर, ऐसा हो गया, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मोटिवेशन की बात है ये ना, ये सारी कि मोटिवेट करना है कि भाई आप पहले तो ये पसंद करते थे कि मैं जीन्स भी पहनूं, मैं इस तरह के कपड़े भी पहनूं, आप माइंड नहीं करते थे, अब तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा शेल्टर हो, अब क्यों इतराज है? फिर तो इतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कोई इतराज, आपने पसंद ही मुझे ऐसे की है। अच्छा इसमें नताशा भी दे सकती है जवाब, कि पहले तो उसे पसंद थी, मॉडर्न देख के पसंद किया उसने,
अब वो कहता है दुपट्टा होगा मेरा, तो ऑलमोस्ट यही जवाब होगा जो भैया जी ने कहा है कि आपने जिस तरह से पसंद की है उसी तरह रखिए। दूसरी बात ये कि अबाया आप दिल से करते हैं, आप किसी के कहने से नहीं आप मुंह पे चढ़ा सकते और सर पे कर सकते। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ बाया पहन के ही जाना पड़ता है, मुझे बिल्कुल डन। हम सारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप भी आना जाना मलिक से कि अगर अपना घर हो दो तीन मरले का और एक तरफ रेंट का घर हो दो तीन कनाल का, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? अपना घर, डेफिनेटली अपना घर, दो तीन मरले का डेफिनेटली कराया, और वो जो हर वक्त ही आ जाती है फर्स्ट लवर, और वो नहीं अपना घर, अपनी शर्त क्यों कहते हैं जन्नत, अपनी इसी वजह से। अच्छा एक चीज आपने भी कही थी शाह साहब और आप लोगों ने भी कही थी कि अगर वो नताशा ने सिर्फ नहीं की कि अगर वो जरा आवारा जरा शौकीन मिजाज हुआ तो उसे सीधा कर लेंगे हम, टिप तो दे इसको सीधा कैसे करना है? इनसे बेस्ट टिप कोई नहीं दे सकता। ले ले टिप नहीं, कैसे सीधा करेंगी? सीधा कैसे करना होता है? जैसे आपने किया वैसे बताया ना, से प्यार से डील करके जैसे आपने किया वो बताया, मतलब है कि आप उन्हें बताएं बार बार, उन्हें यकीन दिलाएं कि हमें पता है सब कुछ, ठीक है आप जो कर रहे हैं हैंकी पैंकिस करने की सोच भी रहे हैं, तो मैं फिर भी रेडी हूँ, तैयार हूँ, आपके साथ हूँ, मैंने जीना मरना तो आपके साथ ही है ना, जो मर्जी हो जाए, जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा। नहीं मैं सच कह रही हूँ, वाह वाह मरना क्या बात है, क्या बात है। नताशा आपका इस पे क्या मशवरा है? मेरा तो शाजी, शाजी ने मेरे लिए यही चीज किया था, हाँ, तो मैं जो शाजी का मशवरा होगा मैं उसी हिसाब से अमल करूंगी उसके ऊपर, सो आई आई एम टोटली इन एग्रीमेंट। मैंने जीना मरना तेरे साथ, तेरी ऐसी की तैसी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा आपने हमारी आज सारी मशवरा पार्टी सुनी, किसका मशवरे सबसे ज्यादा पसंद आए? नहीं नहीं मैम नताशा के भी बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव सोच थे। जो बात समझ में आती है, जो दिल को लगती है, जो अट्रैक्ट करती है, जो दिल चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये नेचुरल है, वंडरफुल तो है नहीं। मैंने भी सारे मशवरे सुने हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब आप बहुत सारे लोगों की मशवरे सुनते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि एक्चुअली करना क्या है, करना वो चाहिए जो आपको अपने हालात, अपनी सोच, अपने घर के सिस्टम के मुताबिक, आपको जो चीज लगे आपको वो करनी, बिल्कुल। सारी सहेलियों का बहुत शुक्रिया प्यारी सी नताशा, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस एंड स्टाइल, थैंक यू। और रजा आप भी बहुत प्यारी, बहुत शुक्रिया शादी, आपकी तो क्या बात है, थैंक यू सो मच, और बहुत ज्यादा थैंक यू, वंडरफुल हैविंग